डियर स्टूडेंट आरसी एजु हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सेकंड के अंदर अपना जो टॉपिक चल रहा था पादपों के आवश्यक पोषक तत्वों में जो नेक्स्ट एलिमेंट की जो फंक्शन चल रही थी उसमें बात करिए मैग्नीज के कार्य। टॉपिक आज का रहेगा अपना मैग्नीज के कार्य। मैग्नीज के जो कार्य है वो क्या होता है, जो मैग्नीज है वो क्लोरोफिल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। फर्स्ट फंक्शन क्या होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। सेकंड क्या होता है कि जो मैग्नीज है वो क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अवयव है जो उन क्रियाओं में सहायक होता है जिनमें ऑक्सीजन का वहन होता है। दूसरा मैग्नीज जो है क्रेब चक्र जो होता है क्रेब साइकिल के निर्माण में भी क्या होता है, आवश्यक होता है। नाइट्रेट स्वांगीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें भी क्या होता है, ये सहायक। और मैग्नीज की कमी से शर्कराओं की जो शुद्धता है उसमें कमी आ जाती है और मैग्नीज की अधिकता से शर्कराएं जो होती हैं वो अधिक शुद्ध होने लग जाती है। ये है आपके मैग्नीज के कार्य। तो मैग्नीज के जो कार्य कौन कौन से होते हैं, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्रेब चक्र के निर्माण में सहायक होता है, निर्माण में सहायक होता है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है, क्रेब चक्र के निर्माण में सहायक होता है। थर्ड होता है नाइट्रेट स्वांगीकरण की जो प्रक्रियाएं होती है उनमें सहायक होता है, नाइट्रेट स्वांगीकरण क्रियाओं में सहायक होता है, नाइट्रेट स्वांगीकरण क्रियाओं में क्या होता है, सहायक होता है। नेक्स्ट मैग्नीज की जो कमी से फसलों में शर्कराओं की जो शुद्धता है उसमें कमी आने लग जाती है, मैग्नीज की कमी से शर्कराओं की मैग्नीज की कमी से फसलों में शर्कराओं की शुद्धता कम हो जाती है एवं अधिकता से शर्कराएं अधिक शुद्ध होने लग जाती है। मैग्नीज की जो कमी से शर्कराएं जो होती हैं उनमें शुद्धता में कमी आ जाती है और अधिकता से शर्कराएं जो होती है वो अधिक शुद्ध होने लग जाती है। मैग्नीज जो है वो क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अवयव है, यह क्लोरोप्लास्ट का प्रमुख अवयव है जो उन क्रियाओं में सहायक होता है, जिनमें ऑक्सीजन का वहन होता है, उन क्रियाओं में सहायक होता है जिनमें ऑक्सीजन का वहन होता है। ये है मैग्नीज के कार्य। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे मोलिब्डेनम के कार्य। नेक्स्ट टॉपिक है अपना मोलिब्डेनम के कार्य। मोलिब्डेनम जो है वो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होता है।
दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। विटामिन सी का जो संश्लेषण होता है उसमें सहायक होता है, यह है विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक होता है, विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक होता है। यह फास्फोरस उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है, फास्फोरस उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है। यह जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के संश्लेषण में सहायक होता है। तो ये हैं आपके मॉलिब्डेनम के कार्य। मॉलिब्डेनम के जो कार्य हैं, वो दलहनी फसलों में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक। यह विटामिन सी के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। यह फास्फोरस उपापचय क्रियाओं को क्या करता है, प्रभावित करता है। यह है जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम के संश्लेषण में क्या होता है, सहायक। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी है।